नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। बांका जिले में आग का कहर देखने को मिला। घटना धनकुंड थाना के बबुरा गांव में शुक्रवार की दोपहर खाना बनाने के दौरान एक ही परिवार के तीन बच्चे झुलस गए, जिसमें दो बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक को ग्रामीणों ने किसी तरह आग से निकालकर इलाज के लिए भागलपुर जिले के सनहौला प्राथमिक स्वास्थ्य भेजा गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज मायागंज भेजा गया। ग्रामीणों ने बताया कि बबूरा के बधुदू दास के यहां लोगों ने एक आग की लपटें निकलते देखा। ग्रामीणों ने शोर मचाकर लोगों को बुलाया, तब तक आग पूरे घर में लग चुकी थी। बधुदू दास के तीन बच्चे चिल्ला रहे थे, ग्रामीणों ने किसी तरह बच्चे को बाहर निकाला। तब तक दो बच्चे 7 वर्षीय चंद्रा कुमारी, 5 वर्षीय सोनाक्षी कुमारी पूरी तरह झुलस गए थे, जिसकी मौत हो गई, जबकि 2 वर्षीय अमन कुमार को ग्रामीणों ने किसी तरह बचाया। घर में सिर्फ बुधू दास की बूढ़ी माँ थी। बुधू दास एवं उसकी पत्नी काम करने खेत में गए थे। ग्रामीणों ने तत्परता से आग पर काबू पा लिया। घटना की सूचना पर धनकुंड थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंची एवं लाश को कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई है। पूरा में बुधू दास के घर में आग लगी, जिसका ठोस कोई कारण नहीं पता चल रहा कैसे लगा, लेकिन इसमें दो बच्ची जल गई और एक बच्चा हॉस्पिटल भेजा गया है। पंजवारा थाना पुलिस ने शराब माफियों पर कार्रवाई करते हुए गत 2 दिनों में 2 बाइक पर सवार 3 युवकों को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को 14 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि शुक्रवार को थाना क्षेत्र के विक्रमपुर मोड़ के पास गुप्त सूचना के आधार पर जांच के दौरान 24 बोतल विदेशी शराब के साथ एक बाइक सवार युवक को धर दबोचा गया। गिरफ्तार युवक की पहचान गोड्डा नगर थाना क्षेत्र के रामनगर मोहल्ले के शंकर यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार तस्कर के पास से जांच के क्रम में बाइक में रखे बैग से इंपीरियल ब्लू ब्रांड का 19 बोतल विदेशी शराब एवं रॉयल स्टैंक ब्रांड का 5 बोतल विदेशी शराब जब्त किया है और घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट के बाइक को जब्त कर लिया। पुलिस कार्रवाई में थाना के SI मनोज कुमार सिंह व आशुतोष कुमार शामिल रहे, पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। वहीं पुलिस द्वारा शुक्रवार को गिरफ्त में आए दोनों युवकों को पुलिस अभिरक्षा में बांका जेल भेज दिया गया है। भीतिया पंचायत के गेरा टीकर के एक युवक का शव एक वृक्ष में लटका मिला। सबकी पहचान गेरा टीकर के स्वर्णपाली दास के पुत्र 23 वर्षीय सरवन दास के रूप में की गई है। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली घटना स्थल पर पहुंचे। परिजनों की उपस्थिति में सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बांका भेज दिया है। जानकारी के अनुसार युवक बुधवार के 1 बजे दिन से गायब था। रात 12 बजे तक परिजनों ने खोजबीन की, लेकिन कोई अता पता नहीं मिलने पर थक हार कर घर वापस लौट गए। गुरुवार की सुबह शौच के लिए स्थानीय बगीचे की तरफ कई न्यासी की महिलाओं ने एक वृक्ष से लटके युवक को देखकर घर वालों को बताया। बात मृतक के परिजनों तक पहुंची, धीरे धीरे ग्रामीण भी जमा हो गए। ग्रामीणों ने तुरंत थाना अध्यक्ष को सूचना दी। हालांकि समाचार प्रेषण तक किसी तरह का FIR दर्ज नहीं कराई जा सकी थी, लेकिन युवक की हत्या कर वृक्ष में लटका देने की चर्चा जोरों पर थी। उक्त चर्चा के अनुसार अभी लगा देने को लेकर होली के दिन सोमवार को गांव के उपेंद्र दास, बाबूलाल दास, सिको दास, विष्णुदेव दास, नेपल दास, जागेश्वर दास, शंभु दास, सुमेश दास एवं शनिचर दास मृतक एवं अन्य के साथ गाली गलौज किया था। मंगलवार को ग्रामीणों ने आपसी बैठक कर मामले को शांत करा देने का प्रयास किया, लेकिन उक्त मारपीट के आरोपी बैठक में नहीं आए। परिजनों समेत अन्य ग्रामीणों को आशंका है कि उक्त आरोपियों द्वारा युवक की हत्या कर वृक्ष में लटका दी गई है। ऐसे भी लटके सबको देखकर फांसी लगाकर आत्महत्या करने की संभावनाएं नहीं दिख रही है। सबके पैर जमीन पर थे। सबके मिलने के साथ ही मृतक की माता काली देवी का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक 2 भाइयों में छोटा था। राशन कार्ड से वंचित गरीब परिवार को नए आवेदन के लिए 5 अप्रैल की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि कोई भी दिव्यांग, निःशक्त एवं गरीब परिवार इस योजना से वंचित नहीं रहे, लेकिन चांदन प्रखंड के पदाधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों की मनमानी के कारण किसी भी आवेदक का आवेदन RTPS काउंटर पर जमा नहीं लिया जा रहा है, जिस कारण रोजाना गरीब परिवार प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाने के साथ अपने पंचायत प्रतिनिधियों का भी खुशामद कर रहे हैं। बताया जाता है कि काउंटर पर जमा करने की कोई चिट्ठी नहीं मिलने की बात बताकर लोगों को भगा दिया जाता है और पंचायत चुनाव के बाद आने को कहा जाता है, जबकि प्रखंड के दूर दराज से रोजाना आकर वापस लौट रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने यह भी बताया, कुछ पंचायत प्रतिनिधि अपने खास समर्थकों का आवेदन लेकर चुपके से जमा कर दे रहे हैं।
जबकि काउंटर के आसपास कुछ दलाल किस्म के लोग करीब से मोटी रकम लेकर उसका आवेदन लेकर जमा कर देते हैं। इस संबंध में काउंटर पर जमा लेने वाले एक कर्मी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया, काफी भीड़ जमा हो जाने के कारण आवेदन जमा नहीं लिया जा रहा है। जबकि बीडीओ दुर्गा शंकर ने बताया कि जमा नहीं लेने की कोई शिकायत नहीं मिल रही है, फिर भी उसका पता लगाकर जल्दी से जल्दी आवेदन लेने का काम पूरा किया जाएगा। 3 तारीख को हुआ था, बोला कि आज 3 है 3 जैसो 3 5 8 7 तारीख को लेके ले जाइए। 7 तारीख को तो हुआ नहीं जैसो। राशन कार्ड के लिए आए थे? इसके बाद कहाँ से आए? घर है बगरा। बांका जिले के चांदन प्रखंड के PHC उप स्वास्थ्य केंद्र सुइया और उप स्वास्थ्य केंद्र बेरोगज के तीनों केंद्रों पर मिलाकर 2500 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। इसकी जानकारी देते हुए चिकित्सा प्रभारी AK सिंह ने बताया, लगातार प्रयास के बावजूद इसमें लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, फिर भी हम लोग लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि अगर इस पर थोड़ा ध्यान दें तो इसकी रफ्तार बढ़ सकती है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा Facebook पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।